पब्लिक टीवी आपकी आवाज। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि मुलायम सिंह यादव के बयान का स्वागत है, वो चाहें या ना चाहें सरस्वती उनके जुबान पर आ ही गई। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर चल रहे हैं और मुलायम जी ने भी अब उन्हें अपना आशीर्वाद दे दिया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने अपने घमंड के कारण अपने पिता की इच्छाओं को पूरा नहीं होने दिया। अखिलेश की वजह से उनके परिवार में विघटन हुआ और पार्टी में विभाजन हुआ, इसीलिए मुलायम जी भी अखिलेश से दुखी हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया। ये सही है कि हम जब जब मिले किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी पर ऑर्डर किया। आपका यहाँ पर आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया तो आपने जिससे भगवान को चलाया है और सबको खुश रखना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी आपके पेपर के खिलाफ कोई नहीं बोलता है, न आप पर कोई टिप्पणी करता है। इसे विशेष बधाई और धन्यवाद आपको देता है। तो मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत गया। ये हमारी इच्छा है, ये सब तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग पर इतना बहुत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। सदन में आपको खुशी हो रही है। जो मुलायम सिंह यादव जी ने आज पार्लियामेंट में कहा है उसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। और कहा जाता है चाहे ना चाहे सरस्वती जवान पर आई जाती हैं, तो सरस्वती आई गई उनके जवान पर और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दी और कहा और आशीर्वाद एक रूप से दिया कि आप पुनः प्रधानमंत्री इस देश के बने, क्योंकि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं, तो इसलिए बधाई भी उन्होंने दी। तो हम मुलायम सिंह यादव जी का स्वागत करते हैं।